जय मंगल भूदाड़ विमलाड़ नाणदंसनमयाड़ तैलोयसेहराड़ नमोसयासवसिद्धाड़ नमोरन्ताड़ नमोसिद्धाड़ नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव साऊडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों को टीमा मुंजा जोगी भविबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। नीति आपके जीवन में सुख की वृद्धि करती है, नीति आपके जीवन में दुखों की इति करती है, इसीलिए उसका नाम है नीति। लेकिन नीति अकेले से काम नहीं होता, रीति का भी ज्ञान होना चाहिए। रीति यानी रिवाज, रीति का मतलब होता है रिवाज, परंपरा। परंपरा का भी ज्ञान रखें और नीति का भी ज्ञान रखें। अगर आपके पास परंपरा यानी रीति और नीति इन दोनों का ज्ञान है तो आप कभी असफल नहीं हो सकते, कभी असफल नहीं हो सकते। कल्पन ने इस बात को समझा था कि हर कमी की भरपाई है अंकित, हर कमी की भरपाई है अच्छे उपाय होना चाहिए, हर कमी की भरपाई है। कहते हैं कि इंसान के शरीर के एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं, एक एक अंगुल में। अब कौन सा रोग कब प्रकट होगा अथवा कौन सी नस दबाने से कौन सा काम हो जाएगा। पहले के लोगों को के शुगर नहीं होती थी, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, होता था। पहले जांचें नहीं होती थी, पहले डॉक्टर पढ़े लिखे थे। अब तो पढ़े लिखे नहीं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि एक्सरे और एमआरआई की रिपोर्ट कैसे पढ़े। पैसा देके पास हो गए, कोटा सिस्टम से पास हो गए। अब आप समझना, पहले के डॉक्टर में दिखाता हूँ आपको, एक डॉक्टर मेरे पास इंदौर में है, प्रदीप जी। उन्होंने मेरी जंगा में ऐसे दो बार दबाया, थोड़ा ऊपर दबाया, बोले आपको बीपी शुगर नहीं है। मैंने कहा नहीं, क्या ऐसे कैसे मान ले दबाने से नहीं है। बोले कोई शुगर वाला पेशेंट है पूछो आप, हमसे मत बताना, पूछो है क्या। मैंने कहा हाँ, इन तीन में से एक है। बैठाया, एक को दबाया, दूसरे को दबाया, चिल्ला पड़ा। सिर्फ उन्होंने नॉर्मली ऐसा हाथ रखा, बोले आ दर्द हो रहा है, बोले तुमको शुगर है। उनने कहा रुको, तुम्हारी 350 चल रही। बोले हाँ, जितनी तेज आवाज आएगी उतनी शुगर है। तो पहले के लोग ज्ञानी थे क्योंकि उनके पास नीति रीति और बाकी ज्ञान भी था, लेकिन अब के लोगों के पास ज्ञान नहीं बचा क्योंकि हर कमी की भरपाई है, वो है अच्छे गुण। अगर अच्छे गुण आपके पास हैं तो हर कमी की भरपाई है। कल अपन ने समझा था, अगर गरीबी है, गरीबी एक कमी है, उसकी भरपाई हाँ है, धैर्य से उसकी भरपाई। धैर्य से उस कमी की भरपाई है। पैसा हो ना हो बड़ी बात नहीं, क्योंकि आखिरी में सबके पास कुछ भी नहीं बचना। जैसे आए थे वैसे ही, बस इतना है कि कुछ जोड़ोगे, कुछ घटाओगे, लेकिन जाओगे। पक्की पक्की बात है ना। अब समझो, गरीबी हो तो धीरज रखना
और अगर आपके पास साधारण वस्त्र हो तो साफ सुथरे पहनना, वो भी अट्रैक्टिव लगेंगे। नगर में जाओ तो मालूम चल जाता है कितनों के पास कौन कौन से कपड़े हैं, क्योंकि 4 महीने वो कपड़े रिपीट करके आएंगे कि जीन्स कितने हैं, सूट कितने, हाफ पैंट कितने, फुल पैंट कितने। व्यक्ति के वस्त्रों से, उसके वस्त्रों को पहनने से उसकी पहचान होती है। आप एक बात ध्यान रखना, सबसे कह रहा हूँ, अपने स्टेटस पे, अपनी डीपी पर जो फोटो लगाते हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फोटोज अपलोड करते हो, वो आपके स्टेटस को बताती है। सोच समझ के करना। मंदिर आए साड़ी पहनकर, सिर ढांक करके, और आप दुबई गए थे और दुबई की फोटो डीपी में लगा के रखे हो, बाकी आगे कुछ नहीं कह रहा हूं, वो फोटो आपके व्यक्तित्व को डिफाइन कर देगी, आपके भविष्य को डिसाइड कर देगी। अगर कोई कन्या है, उसकी शादी नहीं हुई और अपने भाई के साथ उसने फोटो खिंचाई है, कजिन के साथ भी, उसको वो फोटो डीपी में नहीं लगाना चाहिए। दुनिया को नहीं पता कि तुम्हारा भाई है। गुरुओं के साथ भी कभी आपने फोटो खिंचवा ली है या खींची गई है तो बड़े नजदीक बैठ के खिंचवाई है, तो गुरु बदनाम हो जाएंगे तुम्हारे। सब चीजों को समझें। आपके कपड़े, आपका फोन आपको डिफाइन करता है। अतिशय सुन लो बेटा, तुमने माना कि अपने डीपी में पूल की फोटो लगा के रखी है, एग्जाम्पल लेते हैं पूल की, और पूल के पीछे टेबल लगी, उसमें 2 वाइन की बोतल रखी हुई है, तुमने पी नहीं है, लेकिन वो जो दृश्य है वो तुमको डिफाइन कर देगा। एक ब्रह्मचारी जी मुनि महाराज बने, उन्होंने मुझे अपनी पूरी पुरानी जिंदगी की फोटो दिखाई। मैंने कहा 4-5 डिलीट करो। वो कैसीनो की थी, बोतल हाथ पे लिए, तुमने पी क्या? बोले नहीं। मैंने कहा लेकिन लोग बाद में बोलेंगे कुछ ऊंच नीच हो गई, तो पहले से ही बिगड़ा है। आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो आप जियो जो करना है, लेकिन बाहर की दुनिया को मत बताओ कि आप कैसे हो। पहले के लोग कहते थे मोटा पहनो और मोटा, अब आज के लोग चिकना पहनो चिकना खाओ, चिकना पहनो चिकना खाओ। ये जो जीन्स पहने ना आप, भारतीय पोशाक नहीं है, धोती कुर्ता पजामा भी नहीं, धोती कुर्ता। इसके बहुत फायदे थे, बताता हूं, सुनो आप। जो धोती पहनते थे, अरे उनको लघु शंका आई, कहीं भी किनारे जाके धोती ऊपर करके बैठ गए, और अब जानवरों जैसी प्रवृत्ति चल रही, खड़े खड़े। अब आप खड़े खड़े कर रहे हो, मंदिर आने का अधिकारी नहीं हो भैया, आप क्या लगे हो, जिनवाणी छूने के अधिकारी नहीं। धोती के फायदे थे, एयर ही रहता था, कभी भी हाफ पैंट, कभी भी फुल पैंट। अब तो जीन्स ऐसा फंस गया कि वो टाइट बैठ ही नहीं पा रहे। एक बालक आया, आहार देने बाहर का था, सब बच्चे आए थे 8-10, उसने आहार नहीं दिया। मैंने क्या हो गया, बोले पजामा ही नहीं उतर रहा है। बोले उतारने के लिए 2 लोग चाहिए थे, वो सब धोती पहन चुके थे, आहार नहीं दे पाया वो, ऐसा टाइट पजामा था, इतना टाइट। इसीलिए अतिशय बेटा, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, सबको एक ही सलाह देना, आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। व्यापारी हो, महाजन हो, कुर्ता पजामा पहन के दुकान जाया करो। आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी कि भैया वो नीले कुर्ते में ही मिलेंगे, व्हाइट कुर्ते में ही मिलेंगे, उस भीड़ में वो नीले कुर्ते वाले वही रहेंगे भैया, वो आपकी आइडेंटिटी बनेगी। लेकिन अब परिवेश बदल गया महाराज जी, आप आउटडेटेड हो। हम लोगों को फटे कपड़े पहनना पसंद है, कि पहले फाड़ते थे, हम लोग पहले से ही फाड़े।
पहले के कपड़े पहनते थे तन ढांकने के लिए, आज के कपड़े पहनते हैं तन दिखाने के लिए। कमी की भरपाई है कि कमी चल रही है? आप मेरे हिसाब से जीवन जीना प्रारंभ कर दो, आइडेंटिटी भी बनेगी और आप आइडल भी बनोगे। सीए साहब ऑफिस में क्या पहनते हो? पैंट शर्ट, टी शर्ट। देखो समझदार है वो, मैनर्स वाला है, उसे पूछा तो वो खड़ा हो गया है। कि बड़ा व्यक्ति ने पूछा तो खड़े होकर उत्तर देना चाहिए। बेटा इतने संस्कार तो हैं। मेरी एक बात और मान लो, अभी तुम हाफ कुर्ता पहने हुए है ना, ऑफिस में अपने कुर्ता का ड्रेस कोड करो, पांच जोड़ी एक ही से कुर्ते लाओ, एक से एक कलर के। इतना पैसा बर्बाद तो करते ही यहाँ वहाँ, मेरे कहने पर इतना और करना, पांच जोड़ी कपड़े लाना, वो ऑफिस की ड्रेस रखना, एक साल बाद देखना तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी। आप सीए हो, तुम लो वेस्ट जीन्स पहन करके, ओपन टी शर्ट पहन करके बैठे हो, चार बटने खुली है, कौन तुमको अपना व्यापार बताएगा? भले वही व्यवस्थित नहीं, पढ़े लिखे लोगों के कपड़े तो अच्छे हो, करके देखना बेटा, बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं, आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। बच्चों को भी कपड़े पहनाओ, चाहे मंदिर में लाओ, गुरुओं के पास लाओ, शुरू से ही व्यवस्थित करा के लाओ। छोटे कपड़े पहना करके ना मंदिर लाओ ना महाराजों के पास लाओ। बच्चे तो बच्चे, उनको थोड़ा ना पता है कैसे बैठना कैसे उठना है, ये आपका निर्णय होना चाहिए। ऐसी स्कूल में अपने बच्चों को डाल नहीं, जहां छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, मैं अपने बच्चों को स्कूल में डालूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए डिग्री जरूरी नहीं है, हमारे लिए संस्कार जरूरी है। इसलिए कपड़े व्यवस्थित होना चाहिए। सुन रहे कि नहीं भैया? महाजनी वाले पहनो। अच्छा आप एक देखो काम, गर्मी है अभी, दिन भर धोती पहनो, कैसा लगेगा? भारत उष्ण प्रदेश है, उष्ण प्रदेश है, यहां पर खुले कपड़े पहने जाते। पहले के लोग चड्डा पहनते थे, वो अमेरिका का झंडा याद है, नाड़े वाला, कितना एयरी रहता था। अब ये आज का दौर वही तो कर रहा है, बॉक्सर पहन रहे हो आप लोग, क्या है? वही तो है, वही है, इलास्टिक लगा दी, वो टाइट हो गई। अरे सुनो, तुम्हारे जीन से अच्छी हमारे बाहुबली की लुंगी है, जब चाहे तो 32, जब चाहो तो 28, और भोजन करने बैठे अच्छा लग रहा तो 36, और गर्मी लगे मच्छर काटे ओढ़ के सो जाओ, कितने फायदे हैं। अच्छा अच्छी से तुम यार लुंगी पहन के घूमते ना, लोग तुमसे अलग से पूछते, भैया कहां से आए हो? कर्नाटक से आए हो? अलग आइडेंटिटी बनेगी। आधुनिकता में जाओगे, पाश्चात्य सभ्यता में जाओगे, तुम्हारी भारतीय सभ्यता और आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। मैं तो समझ जाता हूं कपड़ों को देख करके कि व्यक्ति कैसा है, और ये मत सोचना कि आपके सामने तो अच्छे बन के बैठते हैं, हमें सब समझ में आता है कि वो चार जोड़ी सूट है, वही बाकी तो घर में जींस टॉप चलता है, समझ में सब आता है, कहते कुछ नहीं। और अति से बेटा इस बात को जीवन में उतार के रखना, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है तो व्यापारी तुमसे जुड़ता है। इज्जत कमाई जाती है, पैसा नहीं कमाया जाता, जिसने इज्जत कमा ली उसके पास पैसा चल के आता है। वो ऑफिसेज में आपकी बच्चियां जॉब कर रही हैं, वहां वो डिसाइड करते हैं कि कैसा ड्रेस कोड पहनाना है, क्योंकि अट्रैक्ट टू कस्टमर। आपकी बेटियों को पैसा कमाने के लिए बाजार में खड़ा किया गया है। ओहो, जैनों की बच्चियां, धिक्कार है। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को वही कपड़े दिलाएं जिसमें उनके तन ढके तन दिखे ना। अब बोलो कि पुरुषों के लिए छूट है क्या? पुरुषों के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन उनकी मर्यादा भिन्न है, आपकी मर्यादा भिन्न है। शुरू से ही अपने बच्चियों को चोटी करना सिखा,
शुरू में लगेगा आपको कि आउटडेटेड है, लेकिन जब उसके बच्चे भी संस्कारवान होंगे तब मालूम चलेगा कि आउटडेटेड नहीं, ये संस्कृति के रक्षक हैं। आपको कौन डिफाइन करता है, कैसा डिफाइन करता है, आप सोचना। आप क्या हैं, कैसे हैं, आप सोचना। साफ कपड़े बड़े ही साधारण हो, साफ हो। अपन इनसे बोलते हैं लेडीज लोगों से जीन्स मत पहनो, कितने लोग हैं जो जीन्स का त्याग कर सकते हैं। देखो जीन्स पहनेंगे ही नहीं, पहने नहीं, ये नहीं बोल रहे पहनेंगे नहीं मैं। चलो अब आप हाथ नहीं उठाओ, अंदर सोच लो क्या चल रहा है, कितना कठिन है। वैसे कायदे से तो पुरुषों को भी नहीं पहनना चाहिए, आपके भविष्य के लिए खतरा है, आपका पुरुषत्व नपुंसकत्व बदल रहा है। बचाओ। अच्छा घर जाते क्या पहनते हो, लोअर टी शर्ट हाफ पैंट शॉर्ट क्यों पहनते हो, गर्मी लग रही, इसका मतलब तुमने जींस दिखाने के लिए पहना है, दूसरे को दिखाने के लिए पहना है। नहीं, अब ये मत बोलना महाराज जी आपने भी पहना है, हमने आपकी फोटो देखी है, हम भी महाराज बन गए, तुम भी बन जाओ भाई। कंपेयर करो तो सोच समझ करना, किसी के दिमाग में चल रहा हो कंपेयर कर ले। एक महाराज जी बोले कि आदिनाथ भगवान ने 6 महीने में केस लॉन्च किए थे तो हम भी 6 महीने में करेंगे। तो चाची बोले ऐसा नहीं होता। मैंने कहा चाची सही बोल रहे, करने दो, भगवान आदिनाथ ने 6 महीने का उपवास भी किया था, तो आप 6 महीने का उपवास भी कर लो और केस लॉन्च भी कर लो, छतरी हम बनवा देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी केस लॉन्च की। कंपेयर करो तो देख करके, कंपेयर करो तो सोच समझ के करना। नहीं तो लोग हमसे बोलते महाराज जी आप आलू प्याज त्याग करने कहते हो तो आपने भी तो खाया है। ठीक है भैया हमने त्याग कर दिया, तुम भी कर दो, तुम भी करो ना। फिर ऋषि बेटा अपने व्यापार का ड्रेस कोड रखना, वो तुम्हारे को डिफाइन करता है, और ऐसा करने से आपका एक व्यक्तित्व बनेगा। जितने बड़े बड़े संस्थान हैं गवर्नमेंट के या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी एक ड्रेस कोड है, डॉक्टर की, पुलिस वालों की, वकीलों की, आर्मी की, इनकी ड्रेस एक जैसी, मुनियों की एक ड्रेस, दिगंबर ड्रेस, दिशा ही मेरा अंबर है। अगर आपके पास भी एक कलर होगा, देखो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो एक या दो कलर लेके चलते हैं, बात खत्म। जज एक कलर के कपड़े पहनते, क्यों, फोकस रहता है आपका बिजनेस पर। अबे आज कौन सी टी शर्ट पहनना है, आज कौन सी मैचिंग करना है, तुम कपड़े लेने जाओगे तो वही कलर के लाओगे, समय बर्बाद नहीं होगा। समय से बड़ी कोई चीज नहीं होती, आप कहां व्यर्थ कर रहे हो। हेयर स्टाइल, हेयर कलर आपको डिफाइन करती है, सब चीजें डिफाइन करती है। एक बात और रोहित, तुम किसके पास हो, बात पैसे की नहीं है, बात बड़े छोटे की नहीं है, अपन है किसके पास। अगर आप हमारे पास हो हनी तो आपको हमारे जैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आपके साथ का आदमी कैसा है। सुनो मैं आपको बता रहा हूं, छतरपुर की बात है, सार्थ सागर जी है ना, और उनका भाई था एमी, ये लोग कहीं लौट रहे थे, अट्टू भी था, तो एक दुकान थी उसमें किराने की दुकान थी, कोरोना का टाइम था तो वहां से कुछ ले रहे थे लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बाहुबली ने नहीं पी, क्यों, बोले महाराज जी के साथ है ना अच्छा नहीं लगता। ये उसकी क्वालिटी, डिग्निटी, देखो आपकी भी डिग्निटी बनेगी, इमेज बनाने में टाइम लगता है, इमेज बन जाए तो टाइम आपका होता है। सुन ले भाई लड्डू, तू PhD कर ले, डॉक्टर बन जा, जैन धर्म की वजह से प्रभाव ना कर ले, जो आनंद मुनि बनने में है वो कहीं नहीं।
सच कह रहे हैं, सही है कि नहीं? तो आप लोग क्यों नहीं बन रहे फिर? राग है, तेरे लिए ताली बजाइए, एक ने अपने लिए नहीं बनाई कि मैं बनूंगा। सीए साहब नाम क्या आपका? सिद्धार्थ शादी हो गई। अब सुनो फिर ध्यान से, रोटी कपड़ा मकान ये तीन चीजें जो है बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और ये तीन जो चीज चाहिए ना पूरी जिंदगी गुजारने के लिए, तीन चीजें चाहिए, सर पर एक छत हो, कपड़े हो और पेट भरा हो, बस यही बेसिक नेसेसिटी है। हम देखो एक घर छोड़ा है, जिस घर नगर में जाओ वही घर मिलता है, छत है, मुद्रा लगाओ रोटी मिलती है, कपड़े की झंझट ही नहीं, ना पहनो ना उतारो ना धो, आदमी को दिल भर के धो, समझे आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? मुनि बनना सर्वश्रेष्ठ आनंद है, लेकिन वैराग्य हो तो, वैराग्य ना हो आप घर में ठीक हो, जिन शासन को बदनाम मत कर देना, और जिनको वैराग्य हो उनसे मेरा कहना है, विमल जी हम आपकी एक बात से प्रभावित हुए हैं, ईमानदारी से करें, आप अध्यक्ष हो इससे हम प्रभावित नहीं हुए, आप रोज पूजन अभिषेक करते हो हम इससे भी प्रभावित नहीं हुए, आपके पैर में तकलीफ आप चलते हो हम इससे भी प्रभावित नहीं हुए, आपने अपने गुरु बना के रखे बदले नहीं है हम इससे प्रभावित हुए। और मैं बाकी पैसे की और बाहर की चीजों से पद से कभी प्रभावित नहीं होता, हम चाहें तो इतनी सेटिंग बाज है कि हम प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं, इतने तिकड़म बाज तो हम भी हैं, लेकिन नहीं, अभी प्रधानमंत्री आया था कोटा, अमित शाह आए थे, मुख्यमंत्री आया था, हमको क्या करना, आप लोगों ने सम्मान किया था उसके स्टेज पर, आए थे ना वो आप लोग जैन समाज के स्टेज पर, हमको क्या करना, लेकिन आता सब हम सब कर सकते हैं। कहते हैं कि हाथ की नाड़ी और घर की नाड़ी सारे भेद बताती है, हर किसी की नाड़ी है, लेकिन मैं आपसे एक बात से प्रभावित हूं, अपने गुरु नहीं बदले, कि आज आदित्य सागर जी है इनका प्रभाव है तो इनको गुरु बना लो, कल कोई और महाराज जी है उनका प्रभाव तो उनको गुरु बना लो, नहीं नहीं, जब तक गुरु की आयु है तब तक गुरु नहीं बदलना, और गुरु की आयु पूर्ण हो जाए तब गुरु जरूर दूसरे बनाना, बिना गुरु के जीवन मत जीना। अंकित तुम्हारे गुरु जी कौन है? बिल्कुल, हमारी सेवा में कमी मत रखना, कोई साधु आ जाए लेकिन गुरु आ जाए, गुरु तो गुरु है। शीतल जी आपके गुरु का नाम क्या है? अच्छा हम ही हैं। देखो जीवन के अंत समय तक गुरु नहीं बदलना, और एक बात ध्यान रखना, जो लोग बार बार बिजनेस बदलते हैं उन पर विश्वास नहीं होता, जो बार बार गुरु बदलते हैं उन पर विश्वास नहीं होता। आप एक गुरु बनाओ, दूसरे गुरु बनाओ, तीसरे गुरु बनाओ, उनको ही पता है कि अभी हमको भी छोड़ के जाएगा, तुम किस बात के विश्वास के पात्र हो? व्रत किसी से लिया, प्रायश्चित किसी से ले रहे, फोटो किसी की लगाते हो, और गुरु किसी को बनाना है? मैं भैया मैं समझता हूं जो एक की नहीं हुई वो किसी की नहीं हुई, और जय किसी और की बोल रहे हो, तुमने जिसको गुरु बनाया कम से कम दिल ठोक के उसकी जय तो बोलो, डरना क्या है इसमें? अपन रिद्धि सिद्धि थे, संजय भैया आचार्य संयम सागर जी की जय बोल रहे थे, है ना, हमने पूछे ही नहीं कौन है, हमें क्यों पूछे, अरे मुनिराज की जय बोल रहे, उनके गुरु हैं अच्छी बात, उनके परिवार के हैं अच्छी बात है, हमको क्या करना, मुनिराज की जय बोल रहे ना, कोई मिथ्यात की तो जय नहीं बोल रहा। इस मामले में पक्के रहना ऋषि, बेटा गुरु नहीं बनाए हो तो बनाना, बनाए हो तो शर्माना क्या। एक सज्जन से अपरमित सागर ने पूछा, भैया आप माइक लिए हो स्टेज पर हम बैठे हैं तो जय क्यों नहीं बोल रहे हो? बोले सब देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? आप अपने गुरु की जय नहीं बोल रहे हो, क्या देखना पड़ता है? बिल्कुल नहीं देखना पड़ता। ऋषभ पंडित जी थे नागपुर, पंचकड़ा कराते थे, विधान कराते थे, आपके यहां भी विधान हुआ था, आचार्य गुणधर नंदी जी आए थे, ऋषभ भैया जी आए थे, ठीक है ना, सुनना ध्यान से, लेकिन जब भी वो माइक लेते थे वो आचार्य देवनंदी महाराज की जय बोलती थी, क्यों? मैंने उनसे व्रत लिया।
आप अपने गुरु का नाम ले रहे हो, वो डिफाइन करते हैं आपको। और गुरु के रहते रहते आपने गुरु को छोड़ा है। गुरु में कमी नहीं है, कमी तुम में है। गुरु तो शिष्य की परीक्षा लेंगे, और जिन जिन ने गुरु बनाया ध्यान रखना सबकी परीक्षाएं होंगी। बात तो तब है कि जब सबने साथ छोड़ दिया हो तब तुम भी उनके साथ हो, तब तुम उनके साथ हो, तब तो बात है। कपड़े भी आपको डिफाइन करते, तो आपकी श्रद्धा भी आपको डिफाइन करती है कि कैसी तुम्हारी श्रद्धा है। लड्डू बेटा, श्रद्धा नहीं बदलना चाहिए। उम्र बढ़ जाए तो बढ़ जाए, श्रद्धा बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन उम्र के बदलते श्रद्धा नहीं बदलना चाहिए। कि एक इच्छा पूरी नहीं हो तो काहे के गुरु, काहे के गुरु। और बढ़िया मिर्ची मसाला लगा करके विमल जी आप गए अपने गुरु जी के पास, आचार्य विमल सागर जी के पास। माना कि वो व्यस्त थे, आपने पड़गान किया, नहीं पड़ गए कोई बात नहीं, जो पड़ गए उनको हार दो, जाके उनको हार दे लो। आप आज ही पहुंचे हो ना, कल वहां पहले से और भी लोग थे ना। गुरु बुद्धि विशेषता। अब मैं तो नहीं मानू गुरु, काय के गुरु। अरे मैंने ऐसा भी देखा दृश्य, 100 चौके लगे थे, गुरु जी निकले पड़गान पे बुंदेलखंड के, उन्होंने कहा नमोस्तु नमोस्तु, नहीं पड़ गए। कोई नियम है क्या तुमसे, तुमसे ही पड़ गएंगे। ओ भैया हम तो पीछे पीछे थे ना, उसने कलश फेंक दी, हाथ में बादाम दी वो फेंक दी, बोले कोई गुरु नहीं होते। अच्छा है, समझ में आ गया, तू शिष्य नहीं तू शत्रु है। इसलिए कहते हैं गुरु बनाओ जानकर, चेला बनाओ जानकर। एक गलत शिष्य जुड़ जाता ना सब खत्म हो जाता। हमारे पास भी लोग आते हैं श्रीफल चढ़ाते हैं, हम तो स्पष्ट मना कर देते भैया अपन से नहीं हो पाएगा। क्यों? आपके पहले से गुरु हैं आप, हमको आपको हमारी कोई जीवन में कोई दिक्कत हो हम हैं, लेकिन गुरु नहीं बदलना। अच्छा तुम्हारे गुरु बिल्कुल पक्के रहना, सेवा में कोई कमी नहीं। जितना वो वहां जाता है उतना मेरे पास भी आता है, बल्कि ज्यादा आता है, लेकिन गुरु जी है ना गुरु जी। ऐसा नहीं होता नहीं कि जिनका माहौल है उनकी जयकार हो। सेवा सबकी हो, उपयोग सबका हो, हैं? हाँ, खैर बोले ना बोले तो भी हृदय में तो रहे, ये आपके लिए डिफाइन करेगा भविष्य में। और अगर जो गुरु बनाता है और अपने गुरु के अनुसार चलता है उसका तो कहने ही क्या है। शिव भूति मुनिराज की कथा नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना, नहीं सुनी हो तो सुन लेना। शिव भूति नाम के एक राजा थे सुरेश जी, हाथी में बैठ के आ रहे थे। ये दिगंबर मुनि ये मुझे क्या बताएगा, बिना कपड़े का बिना दिमाग का, इस गर्व से आए और हाथी से नीचे उतरे, इतने अभिमान में थे। ऐसा कर्म का उदय आया सब कुछ भूल गए, वेद पुराण के ज्ञाता थे सब कुछ भूल गए। अब कहते मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, वो आचार्य परमेश जी कहते बैठो वहां से तुम मेरे शिष्य हो। मुनि दीक्षा ले ली और 12 वर्ष तक खूब अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया, लेकिन नमोकार भी याद नहीं हुआ। अब वो मशीन कॉइल जल गई ना, अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी सिटी उसमें भरे। 12 साल तक वो कहते गुरुजी हमारा क्या होगा। गुरुजी बोले बेटा सम्यक दर्शन है, तुम अगर सच्चे शिष्य हो तुम्हारा मोक्ष भी होगा। उन्होंने बोला क्या याद करें गुरुजी, बोले तुस्मास भिन्नम, दाल अलग है छिलका अलग है, तुस यानी छिलका, मास यानी दाल, तुस्मास भिन्नम, दाल अलग है छिलका अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग। बस बेटा इसी का ध्यान करना, मुद्रा लगा के जा रहे थे, तुस्मास भिन्नम तुस्मास भिन्नम, छिलका अलग है दाल अलग है। और चौके में पड़कते पड़कते भूल गए, छिलका अलग है दाल, यार गुरुजी ने क्या कहा था, अरे यार भूल गए। तो एक माँ दाल फटक रही थी सूपे में, वो छिलका अलग है दाल अलग है, मुद्रा छोड़ दी, वहीं पत्थर पे जाके बैठ गए। अब नहीं,
तुस्मास भिन्नम, छिलका अलग है, दाल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। जिन आचार्य ने सिखाया तुस्मास भिन्नम, करे महाराज भगवान नमोस्तु, आयरी पसायण विद्या मंत्रम या सिद्धंती, आचार्य के प्रसाद से विद्या मंत्रों की सिद्धि होती है, सर्वार सिद्धि होती है, सिद्धत्व की सिद्धि होती है। प्रभाव आदित्य सागर जी का ज्यादा है, तो उपाध्याय श्री को छोड़ दो, और जो बोले अपने गुरु को छोड़ दो, वो मुनि नहीं है, वो मुनि मुनि नहीं है। जो गुरु को बदलवाने की बात करे, वो मुनि मुनि नहीं है। अपनी आइडेंटिटी बनाओ, फिर कुछ दिन बाद ऐसा हो कि जहां आप खड़े हो लोग बोले अरे ये तो उनका चेला है, बोलो हनी आज तुम गुरु जी के पास जाते हो, गुरु जी क्या बोलते हैं, बड़े भरे प्रवचन तुमसे कहते ना आओ आदित्य चेला, कहते कि नहीं कहते, क्यों कहते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी है तो तुमको कैसे रहना पड़ेगा, कहीं तुम्हारे निमित्त से गुरु बदनाम ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हारे निमित्त से कहीं गुरु बदनाम ना हो जाए। तीन चार बच्चे बैठे थे महाराज के पास, एक 2016 की बात है, चतुर्मास की, मैंने कहा महाराज जी ये जो बच्चा बैठा ना आपके साथ, इसको पहले सुधारो फिर शिष्य बनाना। वो बोले हमें मत सिखाओ, क्या बोले वो, मैंने कहा ठीक, मैंने कहा क्षमा करना मेरी गलती, तुमने पूछा नहीं मैंने क्यों बोला, गलती मेरी, मैंने तो इस दृष्टि से बोला कि भाई बच के रहे, तीन महीने चतुर्मास चला, दो में चार महीने का, दो महीने बाद वो लड़का किसी फ्रॉड केस में पकड़ा गया, जेल गया, पेपर में फोटो और पूरे समाज में की चर्चा, कौन वो वाले महाराज जी के पास बैठता था ना, उनका चेला था वो, महाराज जी ने कुछ नहीं किया ना, उसको चोरी की सलाह दी ना डाके की सलाह दी, बदनाम कौन हो गया। शिष्य भी दमदार होगा तो गुरु की प्रभावना, शिष्य अपवाद करवा देगा तो गुरु की अप्रभावना, गुरु की अप्रभावना, ये आपकी आइडेंटिटी है। हमसे लोग बोलते जब भी मैं प्रवचन करता हूं, बोले आप आचार्य श्री मत बोला करो, अपने गुरु जी का नाम लिया करो, बोले लोगों को क्या पता आपके गुरु कौन है, मैंने कहा सुनो भैया शेर के बेटे को बोलना नहीं पड़ता कि किसका बेटा है, बोलना नहीं पड़ेगा कि किसका बेटा है, वो शेर दहाड़ेगा समझ में आएगा किसका है, और तुमको पूछना हो तुम पूछो, हम क्यों बताएं। आइडेंटिटी, आपकी श्रद्धा, आपके वस्त्र आपको डिफाइन करते हैं, बात समझ में आ रही ना, कैसे गुरु हैं, कैसे आपके गुरु हैं और आप कैसे शिष्य हो, ये आपकी आइडेंटिटी। शुभम सुन रहे बेटा, बेटा तुम किसके साथ हो इसका ध्यान रखना, बस तुमको जो करना करो, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है तुम्हारा नहीं है, बैराग हमें हुआ है तुम्हें नहीं हुआ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक मुनि महाराज के परिवार के लोगों का बर्थडे था, तो छोटे बच्चे रहते ना केक काटो केक काटो, तो एक बच्चे का केक कट रहा था और उन मुनि महाराज के भाई खड़े थे, तो फेसबुक में लाइव चलाया किसी ने कि, तो वो कमेंट करता एक आदमी रात को 12 बजे कि मुनि महाराज के परिवार के लोग होकर रात को केक काट रहे हैं। भैया तो व्यक्ति समझदार था, वो उसने मैसेज किया, पहली बात भैया बैराग हमारे महाराज जी को हुआ है हमको नहीं हुआ, दूसरी बात आपको अगर बात करना है तो एक पर्सनल वे में करें, सामूहिक ना करें, तीसरी बात अगर आप इतनी धर्मात्मा हो तो रात को 12 बजे फेसबुक लाइव में क्या कर रहे हो, लेकिन उसके बाद से उसने फिर ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि अपन मर्यादा में रहना चाहिए, अपन किसके साथ हैं वो आपको डिफाइन करता है। हनी बेटा हर प्रवचन साधुओं को समझना चाहिए, रील के लिए नहीं दिए जाते, उसमें जमे तो निकले, उसमें जमे तो निकले, लेकिन आपका व्यक्तित्व आपके शब्द
बहुत कुछ कहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर शिष्य के अंदर एक भी गुण गुरु का ना हो तो शिष्य किस बात का, पूरे तो किसी के पास नहीं होंगे, कम से कम एक दो पांच दस गुण तो हो गुरु के जैसे कि लोग बोले हाँ यार ये उनके शिष्य। इसलिए विमल जी अपना एक सूत्री कार्यक्रम है जिन वाणी का लेखन और लेखन, न हम समाज की राजनीति पढ़ते हैं न किसी लफड़े झपड़े में, अपना एक सूत्री कार्यक्रम 15 मिनट का टाइम मिले तो लिखो, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन अंतिम समय आएगा तब पछतावा ना हो कि मैं जिनवाणी नहीं लिख पाया। मैं तो बोलता हूँ निदान भी होता हो तो हो जाए, हे भगवान जब मेरी सांस निकले या तो जिनवाणी सुन रहा हूँ, जिनवाणी लिख रहा हूँ या जिनवाणी पढ़ रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है कि मैं जब जिस दिन जाऊंगा ना लिखते 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 टिक जाऊंगा, बस भगवान यही मरण हो, मैं जो जिनवाणी की सेवा कर रहा हूं इसका कोई फल हो, अंते समाही मरना, बस निदान भी हो तो हो जाए मैं जिनवाणी लिखते लिखते जाऊं। गुरुजी ने एक बार प्रवचन दिए थे, एक बस वन्ना करके मंत्री हुआ राजा कृष्ण राय की डायनेस्टी में, उसने 6 महीने तक कर्नाटक में ग्रंथों को जलाया, घर में पानी गर्म होगा तो जैन ग्रंथों को जला के, भोजन बनेगा तो जैन ग्रंथों को जला के, आग सेकना हो हाथ तापना हो जैन ग्रंथों को जला, कितने महीने तक लगातार कितने ग्रंथ जलेंगे आप सोचना, पूरे गांव में, व्यक्तिगत नहीं बोल रहे। गुरुजी बोले बेटा आदित्य सागर जी कौन भरपाई करेगा इसकी। मैंने कहा आचार्य श्री पूर्वाचार्यों का चिंतन उनका लेखन कौन भर पाएगा। पूर्वाचार्यों का चिंतन पूर्वाचार्यों का लेखन कौन कर पाएगा। लेकिन मैंने उस दिन मन में प्रतिज्ञा ले ली थी कि 21वीं शताब्दी के साधुओं के लिए कलंक नहीं बनूंगा, खाना खा के चले गए रोटी खा के चले गए नहीं नहीं मैं लिखूंगा। उस समय मुझे संस्कृत प्राकृत नहीं आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी, नहीं में बिंदी लगाना चाहिए कि नहीं और ही में छोटी आती कि बड़ी ये भी नहीं पता था। चातुर्मास में अच्छे तुमको अपनी डायरी दिखाएंगे 2008 की 9 की, तुम बोलोगे सच्ची तो हम लिख लेते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं करना है, फिर हमने प्रतिज्ञा ली 1,00,000 श्लोक तो लिख के कम से कम जाएंगे। कौन पढ़ेगा हमें क्या करना, हम तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं जिन वाणी की सेवा, कम से कम ऊपर जाएंगे इस बात का दुख तो नहीं होगा कि कुछ किया नहीं है। अपरमित सागर जी जितना आपने लिख लिया ना अभी तक बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी भी नहीं लिख पाए हैं, जितना आप लिख चुके हो। सहज सागर जी अब बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, अब लिखो। देखो सिर्फ बनाते रहोगे रोटी तो खराब हो जाएंगी परोसो भी। बहुत संस्कृत आती है पूरी, प्राकृत भी सीखते हुए पूरी हमसे अच्छी संस्कृत है, कहते नहीं है। अब हम जब कई बार उनसे पूछ रहे हो कोई चीज, इसका मतलब उतने हिस्से में वो हमसे आगे है। लेकिन सहज सागर जी अब लिखो, छपाने के लिए नहीं कि सहज सागर जी का ग्रंथ, नहीं नहीं इसलिए नहीं, इसलिए हम अपना मौलिक चिंतन जिनवाणी के संवर्धन के लिए करके जाएंगे और यही आपकी आइडेंटिटी बनेगा। कुंदकुंद स्वामी को कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा आप लोगों ने। समंतभद्र स्वामी को नहीं देखा, वीरसेन स्वामी को नाम तो आज भी है। सुन बेटा ऋषि, वीरसेन स्वामी हुए 10वीं शताब्दी में, आज से 1,000 साल पहले, वो 1,00,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखे गए। कितनी 1,00,000 श्लोक, नमोकार एक श्लोक मान लो तुम्हें एक गाथा, ऐसे 1,00,000 पढ़ पाओगे जिंदगी में, पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। और ऐसे नहीं पूरे बिहार करके राजस्थान में चित्तौड़ में आकर के कीर्ति स्तंभ में उन्हें धवला टीका लिखी। मालवा की भूमि से निकलते हुए आए, उन्होंने 14 श्रुत पीठ की स्थापना की,
एक जगह रुक करके ग्रंथ नहीं लिखा, जाते गए लिखते गए, जाते गए लिखते गए। आप समाज जन का कर्तव्य बनता है, साधुओं की सेवा करें, उनसे वो बातें करें जिनसे उनके ज्ञान का वर्धन हो, संकलेशता का वर्धन ना हो। और सुनो भैया, बहुत सारे काम करना नहीं पड़ते, गुरुओं से बोल दो हो जाते हैं, नहीं हो तो आजमा लेना, आगे भी आजमा लेना, उनको बोल दो बस गुरुदेव आशीर्वाद दे, सब मंगल हो जाए। क्या समस्या है? ये समस्या है बात का। उपाय तो बताएंगे नहीं क्योंकि हिंसा कहां करेंगे वो। ठीक है तुम धीरज रखो, तुम्हारे कर्म का उपशम सब ठीक होगा, उनके कहने मात्र से हो जाएगा। अरे मेरे जीवन का अनुभव है, मेरे को इस हाथ में लग गई थी टोड़ी फतेहपुर में, नए नए ब्रह्मचारी बने और गुरु जी से, मैंने कहा गुरु जी डायरी में सुभाषिश लिख दीजिए, नए को ज्यादा पूछना पड़ता है ना, तो गुरु जी ने एक पेज का लिख के दिया। अपन तो भैया फूले नहीं समा रहे, 756 इंच के हो गए, अपन तो उचकते कूदते बाहर आ रहे थे, पानी भरा था अपन दिखा नहीं, गिर गए फाट। और ये हाथ 15 मिनट के अंदर इतना मोटा, छुओ तो दर्द में समझ गया कि हड्डी गई। अब क्या करें, महाराज बनना है, बड़ी समस्या। मैं वहीं लौटा, गुरु जी क्या करें। अरे बोले क्या कर लिया तुमने, रात के 9 बजे की बात है। मैंने कहा आप बताओ क्या करें, आप जो बोल दो उससे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने डायरी में लिख दिया कुछ भी लगा लो। क्या बोला, मैं आया ब्रह्मचारी जी बैठे थे, मैंने कहा भैया गुरु जी ने कहा कुछ भी लगा दो आप तो ठीक हो जाएंगे। हम तुमने सुमे क्रीम आती है फोड़ा पकाने वाली, सुनने वो लगा दी बढ़िया, उनने धोती फाड़ी और बच्ची बांध दी, बोले सो जाओ। सो गए, सुबह उठे वो पट्टी ढीली होके निकल गई। गुरु जी ने कहा था कुछ भी लगा लो, तो अपने लगा लिया, अपने कहा पता ठीक हो जाएगा, बात खत्म। ये श्रद्धान आपकी आइडेंटिटी है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अगर नाम लिया जाता है तो ये जोड़ दिया जाता है कि मालूम है सबको ज्ञान सागर जी के ही शिष्य हैं, क्योंकि ज्ञान और विद्या पर्यायवाची नहीं है क्या? ज्ञान और विद्या ये उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण श्रद्धांत था। अब ज्ञान हुआ विद्या आई तो अब समय में लीन तो आदमी हो गई, इसलिए परंपरा कायम, इसलिए परंपरा कायम है। गुरु से आपकी आइडेंटिटी है। लोग हमसे कह रहे थे अभी जब कुंडलपुर में कार्यक्रम हुआ ना, बोले ऐसा लग रहा है आचार्य विद्यासागर जी ही बैठे, वैसी आवाज, वैसा चेहरा, वैसा आशीर्वाद, वैसी सहजता, ये बस और क्या है। आपकी छवि में गुरु की छवि झल गई, यही तो आप शिष्य का कर्तव्य है। आइडेंटिटी कहाँ हो इसका ध्यान रखना राहुल, कहाँ हो उसका ध्यान रखना, क्योंकि आपने कुछ गलत किया गुरुजी संभाल लेंगे, कहीं गुरुजी ने हाथ उठा लिया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब कुछ नहीं करो। विमल जी आप आचार्य जी के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास, और बोले कि आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। बोले क्या हो, नहीं बस संबंध खत्म, आज से बात खत्म, संपत्ति किनारे रख देना। गुरुजी से बोलना गुरुजी आप ही हो तो हो, हम कुछ नहीं है। हर कमी की भरपाई की जा सकती है, लेकिन दुख है गुरु की भरपाई कोई नहीं कर सकता। पत्नी रोटी खिला देगी लेकिन वो जो रोटी में स्वाद है ना, वो माँ की अंगुली का ही है। कितनी होटल में खाना खाला अति से, लेकिन मम्मी के हाथ से एक टुकड़ा मुख में आ जाए, अरे वो तो अमृत हो जाता है, क्योंकि पत्नी की रोटी में वासना है, माँ की रोटी में ममता है। क्यों ना लड्डू ममता की ओर आया जाए, अभी भी टाइम है राहुल, अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा तोड़ना है बेटा, आनंद यही है। तुम घर गए मन लगा क्या, ईमानदारी से कहना, यद्यपि तुम हमारे कहने पर ही गए थे, मन लगा क्या? तुम 2 दिन बाद आने वाले थे, फिर टिकट कन्फर्म थी, कैसे आए
हैं, दिक्कत नहीं हुई। 30 घंटे का सफर करके आए, बिहार है ना आज। देख अंकित, आइडेंटिटी बनती है। अपरमित सागर जी, अपने लिए है, वस्त्रों से, श्रद्धान से आपकी आइडेंटिटी बनती है। और अगर आपके वस्त्र अच्छे हैं, आपकी श्रद्धान अच्छा है, कहीं भी रहो स्वर्ग का देव भी आके आपकी सेवा करेगा, पक्के में करेगा, मेरा विश्वास है। हम लोग कर्नाटक में थे, सहसागर जी याद है, रोड छोड़ के चल रहे थे हम लोग, सिंगल रोड थे, एक बस वाला निकला, अपरमित सागर जी भाग ही था, हमसे 9 इंची दूर, सहसागर से 3 इंची दूर, कम से कम 100 की स्पीड से वो गाड़ी बस ले गया। अगर हम कमंडल भी पकड़े होते तो बहुत कुछ हो जाता, याद है। गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु जी ने हमसे कहा था भी तुम दो हो, उस समय हम लोग दो थे, बोले जो आपका अगर दो हो तो छोटे वाले को अपने उल्टे हाथ में चलाना। मैंने कहा जी गुरुदेव। आहार के लिए मुद्रा में जा रहे थे, उनको पता है कि लेफ्ट में चलना है, तो लेफ्ट में चल रहे थे, क्योंकि जब दो हो तो लेफ्ट में चलना, गुरु जी ने कहा है। कुछ 4-5 लड़के निकले, वो दंड उन्होंने पत्थर फेंका, तो उन्होंने निशान लगाया लिंग पर हमारे, लेकिन पैर एकदम से आगे आ गया तो जांग पर लग के लौट गया। उस दिन मैं जानता हूं कितना दर्द हुआ था, खड़े होते नहीं बन रहा था, किसी को पता नहीं चला कि पत्थर लग गया। फिर उसके बाद सहसागर जी याद है, जंगल से लौट रहे थे, हमने कहा आप तो लेफ्ट में आओ, इनको लेफ्ट में किया और एक पीछे से किसी ने इतना बड़ा पत्थर फेंका, मुझे लगा कुछ आ रहा है, बस मैंने यूं किया और यहां लगा पत्थर निकल गया। महाराज लोग तो महाराज संग के, बोले अच्छा सी पत्थर टूटा कि नहीं, बोले अच्छा सी, बोले बताओ ये हमें, पत्थर तो टूट गया था लेकिन यहां लग गया। सहसागर जी अगर आप होते तो तुम्हारे आपके सिर पे लगता और पता नहीं क्या होता, हमारे सिर पे लग जाता। गुरु बुद्धि, अगर कहीं जाओ कभी, गुरु जी बोले एक दिन रुको तो रुक जाओ, सोचो ही मत, जी गुरुदेव। और आपको नहीं जाने हो कह रहे अभी जाओ, हाँ जी गुरुदेव, जो होगा बहुत अच्छा होगा। गुरु बुद्धि विशेषता, वस्त्र और श्रद्धान आपको डिफाइन करते, इसका चिंतन करना, चिंतन करो। सुरेश अभी हम बोलेंगे समय हो गया, बोले अभी कैसे हो गया, आपका समय हो गया है? क्या बोल रहे भैया, आपका समय हो गया भैया, जाने का समय हो गया, किसी की एनिवर्सरी है, किसी के यहां पढ़ाई करने जाना है, किसी को बहन से मिलने जाना है, भाई समय हो गया भैया। देखो क्या होता है भैया, ये बात जो मैं कह रहा हूं अगर ये अंदर रह जाएगी तो विशुद्धि, वरना विशुद्धि शिवभूति मुंडराज को मोक्ष हुआ सिर्फ उनकी विशुद्धि के निमित्त से। उन्होंने ये नहीं बोला उतर के हाथी से कि इस आपके निमित्त से, तुम्हारे निमित्त से मेरा ज्ञान चला गया, कैसे महाराज है मारो इनको, नहीं राजा था, नहीं, विशुद्धि जारी रखो, गुरुजी ने बोला तो होगा। ध्यान रख रहे भैया, सुन रहे कि नहीं, भीलवाड़ा नरेश बाबा सुन रहे कि नहीं, गुरु बुद्धि पर ध्यान रखना, जीवन में नाम भी शीतल रहेगा, काम भी शीतल होंगे। आप सभी अपनी विशुद्धि, आपकी आइडेंटिटी को संभाले, बच्चों को प्रारंभ अवस्था से संभाले, खुद को भी संभाले। सुनो बच्चे आते ना, सुनो चुल्लक जी, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, वो यूं ऐसे कपड़े करते खींचते नीचे बैठते समय, तुम बड़े पहन के आओ ना, खींचना क्यों पड़े। लो वेस्ट नहीं, लो माइंड के लोग हैं, समझ गए। अब चुल्लक जी को मत देखना, उनकी लंगोटी फिक्स है, लेकिन आप भी ध्यान रखना लो वेस्ट ना हो जाए, समझ गए। अपनी आइडेंटिटी बनाए, अपनी आइडेंटिटी बनाए,
अपनी आइडेंटिटी बनाए। देखो अतिशय छुल्लक जी हैं, और छुल्लक जी अगर आपकी शिकायत ऊपर चली गई तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 2 महीने हो गए, अब सारी छूटे खत्म हैं आज से। अब अपन व्यवस्थित हैं, हर दिन को और व्यवस्थित करना है। क्यों ये जिसने हमको 2015 में देखा अच्छे से, सुभाष जी बगड़ा अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। परिवर्तन है कि नहीं? हाँ नहीं है, अच्छा है कि नहीं? और कोई जिसने 2011 में देखा हो, लड्डू 2009 में देखा है, लड्डू ने देखा है, छुल्लक जी 7 साल की उम्र से साथ में, अभी बुढ़ापे में भी साथ में रहेगा। सुनो सुनो, जब बिहार होता था ना, लड्डू और हम जब तक हमारे खर्राटे ना आ जाए रात को, तब तक वो गर्मी में खेत में हवाई करता था, 11 बजे हूँ 12 बजे हूँ, ऐसी सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन लड्डू अब रहन दो, बोले कि रहने दे, याद है बेटा तुमने 9 में भी देखा है, 11 में भी देखा है, आज भी देख रहे हो, अंतर है कि नहीं? बस यही अंतर छुल्लक जी आपके अंदर भी आते रहना चाहिए। हर दिन कुछ नया जुड़े, हर दिन कुछ नया जुड़े, हर दिन कोई नया गुण जुड़े, एक पुरानी कमी हटे, तब अपन एक दिन जाकर के अपना व्यक्तित्व बना पाएंगे। आप सभी अपने एक आइडेंटिटी का निर्माण करें, कमियां सब में हैं, लेकिन कमी की भरपाई करने की बुद्धि लाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।